रामू व भीमा शहर से धन कमाकर बहुत दिनों के बाद आज अपने गांव वापस आ रहे थे। भीमा भाई, मैं बहुत थक गया हूँ, क्यों ना हम लोग कुछ देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लें, उसके बाद चल पड़ेंगे। अरे नहीं रामू, हम अभी नहीं बैठेंगे। देखो जंगल से हमें जल्दी से जल्दी निकलना है, ऊपर से अंधेरा भी होने वाला है और गांव है ही कितनी दूर। अभी जल्दी ही हम गांव में पहुंच जाएंगे भाई। मेरा तो बड़ा मन कर रहा है गांव में सबसे मिलने का। तुम चलो, सारी थकान हम लोग गांव में ही उतारेंगे, ठीक है? चलो जल्दी। ठीक है भैया भीमा, चलो अब तो आराम गांव में ही करेंगे। फिर वे दोनों अपने गांव की तरफ चल देते हैं। जब वे दोनों गांव के नजदीक पहुंचे तो रामू ने भीमा से कहा, ये गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? ना कुछ जानवर दिखता है, ना ही किसी जानवर के भौंकने की आवाजें आ रही हैं, ना कोई रोशनी दिख रही। क्या बात है भाई, सारा गांव सुनसान सा नजर आ रहा है दूर से तो। अरे हाँ यार रामू, कह तो तुम ठीक ही रहे हो, सुनसान तो है सब कुछ। देखो ना, कुत्तों तक के भौंकने की आवाजें नहीं आ रही, ना ही कोई पशु दिख रहा है और ना ही कोई इंसान। कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। चलो जल्दी से चलकर देखते हैं आखिर बात क्या है। अरे हाँ रामू, तुम तो ठीक ही कह रहे थे भाई, यहाँ तो कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, सबका दरवाजा खटखटाकर देख लेते हैं, हो सकता है कोई अंदर हो। हाँ भीमा, हाँ ठीक है, चलो तुम उस तरफ देखो और मैं उस तरफ देखता हूँ, देखते हैं कोई मिल जाए शायद। फिर भी दोनों इधर उधर सबको ढूंढने लगे और आवाजें लगाने लगे। शंभू काका, अरे ओ शंभू काका, कोई है क्या अंदर? शंभू काका, अरे ओ शंभू काका, अरे कोई है क्या अंदर? अरे सरलामोशी, ओ सरलामोशी, अरे कोई है क्या भाई? हेलो मोहन काका, अरे ओ मोहन काका, अरे कोई है क्या अंदर? लगता है यहाँ पर भी कोई नहीं है। चलो दूसरे घर में देखता हूँ, शायद कोई मिल जाए। अरे कोई है क्या गांव में? हेलो हेलो, अरे कोई है क्या? है क्या भैया कोई गांव में? लगता है कोई नहीं है पूरे गांव में। चलो मीरा मौसी, ओ मीरा मौसी, अरे कोई है क्या अंदर? हेलो बोला भाई। उनको गांव में कोई नहीं मिला, पूरा का पूरा गांव खाली और सुनसान था। रामू तुम्हें कोई मिला क्या? भाई मुझे तो कोई नहीं मिला, लगता है पूरा का पूरा गांव खाली है। नहीं भीमा भाई, मुझे भी कोई नहीं मिला, पता नहीं सब लोग कहाँ हैं। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है भाई, भगवान करे सब लोग ठीक हो। पता नहीं सब लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, हे भगवान क्या हुआ होगा गांव वालों के साथ। हाँ रामू, ये चिंता की बात तो है, पर तुम फिक्र मत करो, चलो एक बार पास के बाजार में और देख के आते हैं, हो सकता है वहां पर कोई मिल जाए, ठीक है? चलो चलते हैं। फिर वे दोनों गांव के बाजार की तरफ चले।
पूरा का पूरा बाजार बिल्कुल सुनसान था। रामू, बाजार में भी कोई नहीं है यार, पूरा का पूरा बाजार खाली है। अब तो मुझे भी लगता है जरूर कोई ना कोई बात है। हाँ भीमा भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई ना कोई बात तो जरूर है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों का यहाँ रहना ठीक नहीं है, हमें कहीं और चलकर रात बितानी होगी। सुबह होने पर फिर आगे की जांच पड़ताल करेंगे कि माजरा क्या है। ठीक है भाई। फिर उन्होंने बाजार में दूर से एक पिशाच को आते देखा। अरे भीमा, वो क्या है? वो देखो यार, कोई राक्षस जैसा दिख रहा है मुझे तो। हाँ चलो भागो, जल्दी भागो भीमा यहाँ से, चलो जल्दी चल के कहीं छुप जाते हैं भाई। हाँ रामू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब तो भागने में ही भलाई है, ये मुझे कोई राक्षस या पिशाच लगता है। चलो भागो जल्दी से, बाद में देखेंगे कि क्या माजरा है। भागो भागो। फिर भी दोनों अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है वहाँ पर कोई इंसान है, चल पकड़ता हूँ उनको भी। भीमा भाई, ऐसा करते हैं आज रात इस जंगल में ही छुपकर बिताते हैं, सुबह देखेंगे भाई फिर क्या करना है या कहाँ जाना है। ठीक है। हाँ रामू, तो तुम्हारी ही बात मानने में भलाई है भैया, आज रात हमें इस जंगल में ही छुपना पड़ेगा। देखा नहीं कितना भयंकर राक्षस था वो। चलो हम किसी पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं। जंगल में उन्होंने किसी इंसान को जाते देखा तो रामू ने भीमा से कहा, अरे रामू देख, वो मोहन काका तो नहीं है? हाँ भीमा भाई, मुझे भी मोहन काका ही लगते हैं, चलो उनका आवाज लगाते हैं। मोहन काका, ओ मोहन काका, अरे मोहन काका रुको जरा। मोहन चाचा, ओ मोहन चाचा रुको जरा। फिर वे दोनों दौड़कर मोहन चाचा के पास गए। अरे ये तो रामू और भीमा है जो शहर में काम करने के लिए गए हुए थे, ये यहाँ पर कैसे हैं? अरे भीमा, रामू, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग तो शहर थे ना, कब आए हो शहर से? चाचा हम लोग आज ही शहर से आए हैं। पर चाचा गांव खाली क्यों है? कोई भी नहीं गांव में, कहाँ है सब लोग? सब ठीक तो है? और हाँ चाचा, हम लोग बाजार में भी गए, वहां पर भी कोई नहीं मिला। और चाचा बाजार में एक अजीब सा इंसान था, पिशाचों जैसा, उसके सिर पर सींग थे, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे हैं हम लोग वहां से। ये सब क्या है चाचा? कुछ मत पूछो भीमा और रामू, पूरा क्या पूरा गांव उसी पिशाच ने उजाड़ रखा है। गांव में जितने भी मर्द जवान मर्द थे उन सबको उठा करके उन्होंने एक जगह इकट्ठा कर रखा है। पता चला है कि आने वाली अमावस्या को वो उन सब की बलि देने वाला है जिससे कि वो अमर हो जाएगा। ये बात मैंने एक साधु से जानी है और ये अमावस्या कल ही है, तो इसलिए हमें इन सबको मिलकर इसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। फिर चाचा बाकी गांव वाले कहाँ हैं? वो सब तो ठीक हैं? बताओ चाचा हमें क्या करना होगा? हम अपनी जान की बाजी लगाकर भी सब गांव वालों को बचाएंगे। बाकी गांव वाले नहर के उस तरफ बड़े मंदिर वाले गांव में हैं, वहां बड़ा शिव मंदिर होने की वजह से पिशाच वहां तक नहीं जा पाता, वो सब सुरक्षित हैं। हाँ तो मेरे साथ चलो,
मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है, इसका खात्मा करना जरूरी है। कल मेरा वर्षों का सपना पूरा हो जाएगा। कल इन सब की बलि देके मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। मेरी बातें तुम दोनों ध्यान से सुनो। इस पिशाच को हम सीधे सीधे नहीं हरा सकते, इसलिए इसको धोखे से मारना पड़ेगा। मैं इसको सामने से ललकारूंगा और तुम लोग पीछे से वार करना। और ध्यान रहे, इसके पास जादुई शक्तियां हैं, ये तुम्हें भस्म कर सकता है, इसलिए बच कर रहना। तुम यहाँ क्यों मरने आ गए बुढ़े? तुम्हें मालूम नहीं मैं बुढ़ों की बलि नहीं देता, जवानों की बलि देता हूँ। पर अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए, मैं तुम्हें यहीं भस्म जरूर कर सकता हूँ। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है पिशाच, और यह वक्त ही बताएगा कि कौन किसको भस्म करता है। रामू व भीमा पिशाच पर पीछे से बड़ा ही जोरदार हमला करते हैं। पिशाच अपने ही अग्नि कुंड में गिरकर धूं धूं कर जलने लग जाता है। अब गांव में फिर से खुशियां लौट आई हैं।